नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 6-7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 81 की। 81 में मिशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी, जिसमें 5 पेंसिल 3 रुपये की दर से खरीदी, 6 अभ्यास पुस्तिकाएं 10 रुपये की दर से खरीदी, 10 पेन 10 रुपये के हिसाब से खरीदे, 3 कलर बॉक्स 15 रुपये के हिसाब से खरीदे, यानी ये 4 प्रकार की वस्तुएं खरीदी। उनका आपको एक बिल बनाना है। बिल का प्रारूप नीचे दिया गया है। बिल के प्रारूप में सबसे ऊपर बिल नंबर होते हैं, जैसा कि आप नीचे प्रारूप देखेंगे या बिल नंबर होते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी बिल नंबर लिखेंगे। बुक स्टोर का नाम आएगा, जैसे कोई भी है यहाँ, आप बुक स्टोर आप किसी तरह का नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे आप बुक स्टोर का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ दिनांक होगी जिस तारीख को आपने ये ख़रीदा है। फिर नाम और पता किसका है, किसके नाम से, जैसे कि मिशू ने ख़रीदा है तो मिशू आएगा, और फिर उसका पता है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं। नीचे जाओगे तो आपके सामने सबसे पहले क्रम संख्या होगी। 4 वस्तुएं खरीदी, जिसमें पेंसिल खरीदी, अभ्यास पुस्तिका, पेन और कलर बॉक्स। पेंसिल की दर कितनी थी? एक पेंसिल के 3 रुपये थे, अभ्यास पुस्तिका 1 के 10 रुपये, पेन के 1 के 10 रुपये और कलर बॉक्स के 15 रुपये। अब पेंसिलें टोटल 5 थी, अभ्यास पुस्तिकाएँ 6 थी, 10 पेनें थी और 3 कलर बॉक्स थे। 5 पेंसिलों के 3 के हिसाब से 3 × 5 5 का गणा पर 15 हो गया। 10 का गुणा 10 सेकंड पर 60 रुपये हो गए। 10 का गुणा 10 सेकंड पर 100 रुपये हो गए। 15 का गुणा 3 सेकंड पर 45 रुपये हो गए। टोटल रुपयों की यहाँ पे जोड़ होगी 220 रुपये हो गए, और नीचे दुकानदार यहाँ पे साइन करेगा। तो इस तरह से ये बिल बन जाएगा। बिल का प्रारूप इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद आता है कार्यपत्रक नंबर 82। 82 में आकृतियाँ दी गई है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप है वो चारों तरफ की लंबाई होती है, उसको परिमाप कहते हैं। जैसे कि यह आयताकार दिया, इस कोने पे खड़े हैं, यहाँ से चारों तरफ का राउंड लेते हैं तो वो एक परिमाप होता है। तो इसके चारों तरफ की दूरियों को जोड़ना है। जैसे कि यहाँ 4 है, 4 × 2 6 हो गए, 6 × 4 10 हो गए, 2 × 12 तो यहाँ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसी तरह 3 × 2 5 5 ये 10 हो गए, 10 × 3 13 हो गए, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 14। तो इसी तरह से तो इसका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसी तरह इस आकृति का ज्ञात करेंगे, यहाँ 4 × 4 8 8 × 6 दिया गया है, टोटल 8 और 6 को जोड़ेंगे तो इस आकृति का भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 3 और 3 यहाँ 6 दिए गए हैं, 6 × 2 2 4 दिए गए, 6 × 4 10 हो गए, 10 और यहाँ पर 1 1 के 2 2 के हिसाब से 2 × 2 4 2 6 और ये 8 8 और 10 18 हो जाएंगे, 18 सेंटीमीटर होगा। यानी चारों तरफ की आपको जोड़नी है। एक बॉक्स दिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर मापा जाएगा। फिर दूसरे प्रश्न में आपको और परिमाप ज्ञात करना है। दूसरे प्रश्न में आपके सामने आकृति है, जैसे कि त्रिभुज की है, 12 12 12 तीन तरह दी है, तो 3 × 12 को जोड़ने पर 37 सेंटीमीटर हो गया। 7 यानी 7 × 5 = 35, 5 भुजा हैं, 35 होगी, 1 माप की है, यहाँ टोटल 7 सेंटीमीटर की भुजाएं दी गई है। 8 बार दी गई अष्ट भुजें, तो 56 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 18 18 15 15 दोनों को जोड़ने पर 67 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सारे परिमाप ज्ञात करने हैं। तीसरे प्रश्न में भी परिमाप ज्ञात करना है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है, 216 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 116 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 88 सेंटीमीटर और यहाँ 240 सेंटीमीटर। आयताकार वर्गाकार है, तो इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। 100वें प्रश्न में आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाना है। तो सही विकल्प 3 नंबर आकृति जिसका 63 सेंटीमीटर होगा ज्ञात करने पर। नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको दूरी जोड़ते जाना, सारी दूरी दी गई है, सभी को जोड़ने पर 68 मीटर हो जाएगा। इस तरह से कार्यपत्रक 82 पे कार्य करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 83। 83 में दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क ख ग तीन आकृतियाँ दी गई है। एक वर्गाकार खाना, मतलब एक वर्ग इकाई, तो टोटल खाने इसमें दिए गए हैं। क में 20, तो 20 वर्ग इकाई हो गया। इसमें 27 खाना है, 27 वर्ग इकाई। इसमें 13 है, 13 वर्ग इकाई हो जाएगा। फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में सांख्यिकी आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका है? तो यहाँ पे पहले तो सभी का ज्ञात करना, इसमें 20 हो गया, इसका 21, इसका 16, इसका 15। सबसे ज़्यादा ख आकृति का है, जिसमें 21 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ ख लिखेंगे और 21 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आता है, जिसमें दी गई आकृतियों में बताना है आकृति का सबसे अधिक किसका है क्षेत्रफल और कितना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सभी का ज्ञात करना है, तो इसके हिसाब से सभी में सबसे ज़्यादा घ का होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों के क्षेत्रफल को लगाना है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आकृति नंबर एफ का है, जिसमें एफ आएगी सबसे पहले 17, फिर 12 आकृति नंबर सी का है, सी आएगी, उसके बाद 10 ई का है और 10 डी का भी है, फिर 9 है वो बी का है और 5 है वो ए का है। तो एफ सी ई डी बी ए इस तरह से क्रम में लगाएंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 84। 84 में पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना। जैसे कि ये तीर है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से आपको तीर बनाना है।
दूसरी आकृति में त्रिभुज आया, फिर वर्ग आ गया, फिर आयत आ गया, फिर वापस त्रिभुज आया, फिर वर्ग आ गया, फिर आयत आ गया, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर आयत आएगा, यानी त्रिभुज, वर्ग और वृत्त की क्रमशः आवृत्ति हो रही है। ये होगा इसका नियम। उसके बाद तीसरे प्रश्न में आपको वही, ये तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर इधर, यानी चारों तरफ घूम रहा है, एक एक बार में इधर गया, इधर गया, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से बनाएंगे। फिर आता है अगला प्रश्न, जिसमें संख्या पैटर्न को पहचान कर नियम बताना है और आगे बढ़ाना है। प्रश्न नंबर चार में सबसे पहले 10, 20, 30 दिया हुआ है, फिर 40 आ जाएगा, 50, 60, इस तरह से संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। 3, 8, 13, 18, 23, 28, इसमें संख्या में 5 जोड़कर आगे बढ़ाना है। 3, 9, 27, 81, 243, 729, संख्या में 3 से गुणा करके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह अगले में 30, 25, 20, 15, 10, 5, यानी संख्या में से 5 घटाते हुए आगे बढ़ रहा है। 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, इसमें 2 का भाग देकर बढ़ाया गया है। तो इस तरह से ये पैटर्न को पहचानना है, नियम भी लिखना है और इसको आगे भी बढ़ाना है। तो इस प्रकार आप कार्यपत्रक 84 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।